डेली कंटिन्यू क्लास चलेगी, बस आज थोड़ा सा जो है यहाँ पर नॉइज़ आपको सुनाई देगी बिल्कुल। कल से जो है ग्लासेस वगैरह लग जाएंगे तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगी बैकग्राउंड। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं हम जल्दी से अपना लाइव आज का, तो जुड़ जाइए सभी लोग। और डेली आपकी क्लास रहा करेगी अब से, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रूर आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन कल से आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी सारे हेलो भाई सभी को। चलिए आज बड़े दिन बाद, कल से अपना जो है बिल्कुल क्लियर चलेगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अब बिल्कुल सब कुछ सही है। कल से कनेक्शन भी मिल जाएगा नेट का, और जो है बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं आएगी। न्यूज़ जो है कोचिंग दी है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा काम चल रहा था, अभी तो हो गया सब कुछ। चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, इससे सभी को डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। अब जो है डेली आपको जो है क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। बाकी आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ही मेरा कोर्स शुरू हुआ है SSC GDO RPF के लिए, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कुछ क्वेश्चन जो है आज पहले वाले रिपीट भी होंगे, क्योंकि कल से प्रॉपरली आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी शुरू कर दिया है ये, तो चलिए बता देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वर्गीकरण के बारे में, तो आप सभी को राइट आंसर इसका आना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, चलिए। हेलो भाई सभी को गुड इवनिंग। RPF का एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। डेली आपके लाइव चलेगी, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे सकती है, कल से बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, आज थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस हमें परेशान कर सकती है, क्योंकि अभी जो है कांच वगैरह नहीं लगे हैं ग्लासेस, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ज़्यादातर लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर VTaker। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VTaker। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। VTaker जी ने जो है पांच जगत वर्गीकरण दिया वर्ष 1969 में। इन्होंने सभी जीवों को पांच जगत में रख दिया। कौन कौन से जगत थे वो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी कि प्लांट्स, कवक और जंतु। इन पांच वर्गों में इन्होंने जो है सबको रख दिया था, पांच वर्गों में बांट दिया था। कैरोलस लिनियस की अपन बात करें, इन्होंने दी थी द्विनाम पद्धति। ठीक है, सभी का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इस तरह के जो नाम इन्होंने दिए थे, किसने दिए थे, कैरोलस लिनियस ने। अरस्तु की अपन बात करें तो वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु कहे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर, डायनासोर थे। ऑप्शन आपके सामने क्या थे डायनासोर, ये आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा राइट आंसर हमारा। कल से जो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ग्लासेस वगैरह लग जाएंगे, आज काफ़ी सारी आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने जो शुरुआत कर दी है, कल से आपको जो है सब कुछ शुरू हो जाएगा। दीपक भाई बिल्कुल ही बढ़िया हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, डायनासोर क्या थे, चार ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है आपका। चलिए टू का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए। मैथ का भी लाइव चलेगा, सभी टाइम आपको कल पता चल जाएगा टाइमिंग सबकी। ठीक है, चलिए सेकंड का आंसर यहाँ पर आ रहा है, अंडे देने वाले स्तनपाई नहीं होगा इसका राइट आंसर। स्तनपाई नहीं थी, मतलब स्तनधारी नहीं थी, वो थे सरीसृप। ठीक है, रेप्टाइल वर्ग में आते थे डायनासोर, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। रेप्टाइल वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जो रेंगकर चलते हैं, जैसे छिपकली है, सांप है, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप में, जो कि विलुप्त हो चुके हैं डायनासोर। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के आंसर सही नहीं आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आना चाहिए सबका। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, ब्लड की यहाँ पे बात की जा रही है, ब्लड में जो है प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर सभी को देना है। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आपका रहेगा 8 PM, तो ये चल रही है अभी, ये 8 PM से डेली आपको कल से शुरुआत हो जाएगी इसकी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, तो कम्युनिटी में मैं जो है एक पोस्ट डालूंगा, उस पर आपको वोट करना है कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो वहाँ से हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, कल से प्रॉपरली आपकी क्लास चलेंगी सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए थर्ड का आंसर काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर आ रहा है, डी इसका राइट आंसर नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बी, हेपेरिन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपेरिन क्या है, जो रक्त को जो धमनी उस रहा है हमारी बॉडी में चल रहा है, रक्त उसे जमने नहीं देता। हेपेरिन कहाँ से निकलता है, प्रति स्कंदक, मतलब जो जमने नहीं देता रक्त को। ठीक है, काम भी नहीं जमने देता हमारी बॉडी के अंदर, रक्त क्यों नहीं जम रहा, हेपेरिन के कारण। हेपेरिन कहाँ बनता है, ये बनता है यकृत यानी कि लीवर में बनता है हेपेरिन। ठीक है,
इसके साथ हम बात करें और भी ऑप्शन दिए यहाँ पे, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये क्या है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ये रक्त को जमाने वाले कारक है। ग्लोबिन रक्त का एक तरह का प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध जो है मोलस्का वर्ग से है? ये सब हम बात कर चुके हैं, वर्गीकरण की वीडियो आपने नहीं देखी उनको जरूर देखी, लाइव हमारा चलता था वर्गीकरण का, उसमें मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, मोलस्का क्या होता है, पोरीफेरा क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर आपको देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताइए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर देना है आपको। यूपी पुलिस के बारे में मैं जल्दी, हमारी क्लासेस सभी स्टार्ट होंगी कल से, आपको प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी। SSC GD में माइनस मार्किंग नहीं है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी, इसका राइट आंसर नहीं होगा भाई। ठीक है, सी भी इसका आंसर नहीं होगा, हेलियोटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोलस्का वर्ग के अंदर कौन से जीव आते हैं जिनकी जो है सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं मोलस्का में आने वाले? ठीक है, सॉफ्ट बॉडी है तो उनके ऊपर एक कैविटी चढ़ी होती है, किसकी होती है वो CaCO3 की एक कैविटी चढ़ी होती है मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आने वाले ज़्यादातर जीवों के ऊपर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, जो इनके शरीर की रक्षा करती है। जैसे घोंगे हैं आपने सुना होगा, इनको क्या बोलते हैं स्नेल इंग्लिश में, सीपियां होती है ना, तो वो सब किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। इसके साथ ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश कहते हैं ऑक्टोपस को, वो भी मोलस्का के अंतर्गत आता है। इसकी बात करें अपन हाइड्रा की, तो हाइड्रा आता है सीलेंटेटा के अंतर्गत। ठीक है, हाइड्रा सीलेंटेटा के अंतर्गत आता है। वहीं बात करूँ मैं खरगोश की, तो छोटा स्तनधारी है, हाइला आता है उभयचर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, मेमत पूर्वज हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है किसके पूर्वज हैं मेमत। कल से जो है आपकी बिल्कुल सही से क्लास चलेगी, आज थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है और जो है टाइमिंग भी आपकी फाइनल नहीं थी, फिर भी काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं, 338 लोग जुड़े हुए हैं। मेहमत पूर्वज किसके थे आपसे पूछा जा रहा है, कुत्ते, घोड़े या ऊँट या हाथी के? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है आप सभी को। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। SSC GD के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है भाई, तैयारी करनी चाहिए आपको अच्छे से। चलिए इस तरह आपको आंसर देना है, 5 का आंसर क्या देना चाह रहे हो आप, ए देना चाह रहे हो तो उसके साथ आपको ए लिखना है, जिससे मुझे भी समझ में आता है। चलिए 5 का आंसर यहाँ पर आ रहा है काफ़ी सारे लोगों का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथी के जो पूर्वज थे मेहमत, एक तरह के हाथी की तरह ही दिखते थे पूरे, जो इसको पूर्वज कहा जाता है किसका, हाथी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, फिरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिरोमोन जो है किसके द्वारा सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको देना है, 4 ऑप्शन है, सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, हाइड्रा द्वारा या कीटों द्वारा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए काफ़ी सारे लोग जुड़ गए तो अच्छा लग रहा है, इस तरह जुड़े रहिए आप लोग, कल से जो आपकी प्रॉपरली क्लासेस चलेंगी और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे हम लोग, मैथ, रीजनिंग, GS सब कुछ जो है कवर करेंगे। ठीक है, एक अलग से जो है कोचिंग ले ली है मैंने, क्योंकि वहाँ पर जो नेट का प्रॉब्लम बहुत होता था। कल आपका जो है नेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपनी लाइव चलेंगी, मैथ की भी, GS की भी, साइंस की भी, सब सारी क्लासेस चलेंगी। और भी जो टीचर मैं हायर कर रहा हूँ जो आपके लिए हिंदी और अदर भी पढ़ा सकें आपको। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है आप सभी को। चलिए, ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, डी ज़्यादातर लोग आ रहा है, मतलब सही है, कीटों द्वारा। ठीक है, अब कौन कौन से कीट है स्पेशल, ऐसे आपने देखा होगा चींटी होती है, उनकी आंखें नहीं होती फिर भी वो लाइन में चलती हैं, आपने देखा होगा चींटी इस तरह जो लाइन में चलती हैं, तो वो किसके द्वारा चल रही हैं, इसी फिरोमोन रिसाव के द्वारा। वो रिसाव छोड़ते जाते हैं, फिरोमोन उसके द्वारा वो है वो फॉलो करते जाते हैं एक दूसरे को। तो कीटों, चींटी क्या है, कीट है, एक तरह का सामाजिक प्राणी भी कहते हैं, सामाजिक कीट भी कहते हैं, तो चींटी क्या है, कीट है। तो कीटों द्वारा बहुत सारे ऐसे कीट है जो इस तरह लाइन में चलते हैं, किसके द्वारा, फिरोमोन स्राव के द्वारा, ये उनकी विशेषता होती है, वो फिरोमोन स्राव छोड़ते जाते हैं, उसी को दूसरे लोग फॉलो करते जाते हैं और जो है एक लाइन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कीटों द्वारा, कीटों की एक विशेषता क्या होती है, चलिए अभी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैथ का क्लास आपका कल चलेगा, टाइमिंग मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा, बिल्कुल सभी टाइमिंग आपको बता दूंगा, आप लोग जब ज़्यादा फ्री होंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ उस टाइम हमें रख लेंगे। ठीक है, MD सहजाज, थैंक यू भाई, सबको जोड़िए, बिल्कुल आपको अच्छी से अच्छी क्लास दूंगा मैं, लाइक ज़रूर करना दोस्तों सभी लोग। SSC GD की कल से जो है मैं बिल्कुल सीरियस एक क्लास स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेनी है, आपको तो बस इस तरह सपोर्ट देना है अपना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे प्लान के तहत आया हूं मैं दोबारा, जो काफ़ी समय से लाइव नहीं चल रहा था हमारा, पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, उसके तहत आपकी जो क्लासेस चलेंगी और आप खुद फील करोगे भाई किस लेवल की आपकी क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर आ रहा है बी। ठीक है, तो भेल सार इसका आंसर राइट हो जाएगा। भेल, एक भेल सार्क अगर लगा हुआ है तो मछली है, अगर ब्लू भेल है तो वो स्तनधारी है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वर्गीकरण में काफ़ी सारे लोग जुड़े होते, ठीक है, जुड़े थे आप लोग तो आपको पता होगा भेल सार्क क्या है, भेल सार्क मछली है, लेकिन अगर बात करूँ नीली भेल, ब्लू भेल, तो वो स्तनधारी है। क्लियर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख लेते हैं,
निम्न में से कौन अंडे देता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए रख दिए हैं कि देख रहे हैं भाई आपको कितना जो है याद रख रहे हो, और आपको कल से प्रॉपरली PDF भी मिलेंगी, सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक से चलेगा आपका कल से, ठीक है। अनअकैडमी पर जुड़ जाइए मेरे साथ, वहाँ पर मैं कोर्सेज मैंने शुरू कर दिया SSGD का, अभी केवल जो 10 से 12 वीडियो आपकी निकली है, 10 से 12 क्लास, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैथ की क्लास कल होगी भाई, कल होगी मैथ की क्लास। चलिए 7 का 8 का आंसर देना है आप सभी को। निम्न में से कौन अंडे देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, और ये एक बात है चारों यहाँ पर जो है दिए हैं, चारों स्तनधारी हैं। आपको पता है स्तनधारी अंडे नहीं देते, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, डी नहीं होगा इसका राइट आंसर। कंगारू भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा एकेडना। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, जितने लोगों ने ए दिया है वो लोग जो है रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। एकेडना क्या है, एकेडना एक स्तनधारी है जिसमें क्या निप्पल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो क्या अंडे देता है, ठीक है। स्तनधारी कभी अंडे नहीं देते, आपको ये बात पता है, तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्तनधारी वर्ग में आता है एकेडना, इसका अन्य नाम है चींटीखोर, ठीक है। एकेडना आता है स्तनधारी के प्रोटोथीटिया वर्ग में, जो अंडे देने वाला स्तनधारी है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। आपको याद रखना है, कई बार बता चुका हूँ, जल्दी मैं आपको नोट्स दूंगा तो उससे आप रिवीजन किया करिए, ठीक है। कंगारू क्या है, ये भी एक स्तनधारी है। चलिए अभी आएगा कंगारू क्वेश्चन। भेल अगर लिखा आ रहा है तो वो भी एक स्तनधारी है, भेल शार्क मछली है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है आप सभी को। चलिए दे दीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने जो रिवीजन नहीं किया, ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी आपके आंसर नहीं आ रहे। तालाब और कुआं में निम्न में से एक को छोड़ने पर, किस एक को छोड़ने पर मच्छरों पर जो है नियंत्रण किया जाता है, किस एक को छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। चार ऑप्शन आपके सामने, केंकड़ा, डॉगफिश, गैम्बुशिया या घोंगा। चलिए इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। कल हमें टारगेट रखना है 400 से भी ज़्यादा लोग जुड़ें, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिए चैनल के साथ। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और ज़्यादा अपनी क्लास चलेंगे अच्छे से, ठीक है। आज हो चुके अपने 380 से भी ज़्यादा हो चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। 9 का आंसर यहाँ पर है सी, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोगों ने रिविजन किया हुआ है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले ही आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए रख लें ताकि चेक किया जाए आपने कितना रिविजन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा गैम्बुशिया। गैम्बुशिया एक ऐसी मछली है जिसको मच्छरों पर नियंत्रण के लिए पाला जाता है। यह मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उसको खा जाती है, इसलिए जो मच्छर अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, ठीक है। जो छोटे मोटे तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, उनमें ये गैम्बुशिया मछली छोड़ दी जाती है, उसके बाद क्या करती है, मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, क्लियर। डॉगफिश भी एक वास्तविक मछली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है आप सभी को। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर। मंगल यादव, बिल्कुल भाई। चलिए भाई GD के लिए भी इम्पोर्टेंट है, RTF के, इनके अलग से मैं क्लास रख दूंगा कल से, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हो। अदरवाइज जितने भी एग्जाम में विज्ञान आता है, बायोलॉजी आती है, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम प्रॉपरली क्वेश्चन की डिस्कस नहीं करते, सभी उसके बारे में बात करते हैं क्या है ये। चलिए अरविंद कुमार नाम मिले भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर आ नहीं रहा किसी का अभी। चलिए तुषार पवन आपका आंसर बिल्कुल इसी है, तुषार पासवान। लंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिब्बन गोरिला और औरंग उटैन जो कि एक कपी हैं, लंगूर एक कपी नहीं है। किंगकॉन्ग जैसा उदाहरण आपको कह सके, कपी क्या है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हुआ तो आपने किंगकॉन्ग मूवी जरूर देखी होगी, उस तरह के होते हैं कपी। चलिए वो भी एक कपी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है आप सभी को। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, तो सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादातर लोगों को आंसर आना चाहिए। जागृति यादव बताइए क्या बोलना है आपको, अभी लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, क्लासिक टाइमिंग क्यों भी डिस्कस कर लेंगे, अभी ख़त्म हो जाने दिए, इसके बाद आप लोगों से ही डिस्कस करेंगे टाइमिंग क्या बेस्ट रहेगी, वही हम जो है टाइमिंग रखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के अकॉर्डिंग ही टाइमिंग रखी जाएगी। चलिए ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है 11 का यहाँ पर। कपी क्या है, आपने किंगकॉन्ग मूवी देखी है, वो कपी होती हैं, ठीक है, अगर आप उदाहरण देखना चाहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। दूसरा कृंतक जो होता है, सेकेंड जो होता है कृंतक, उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हाथी के गजदंत के रूप में, मतलब जो बड़े दांत होते हैं हाथी के दो बाहर वाले, वो दूसरा कृंतक जो होते हैं दोनों साइड, वो बदल जाते हैं दूसरा कृंतक बड़े दांतों में, ठीक है। चलिए हाथी का पूर्वज हमने देख लिया, मेहमत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है आपको। अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला कंगारू स्तनधारी के किस उपवर्ग में आता है। अब आपको ये तो पता है भाई, कंगारू एक स्तनधारी है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, लाइक अपन कहें तो SSC CGL है या किसी में प्रॉपरली बायोलॉजी आती है, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
लेकिन हमको तो सब कुछ पढ़ के चलना है। ठीक है, कल से जो है आपकी थ्योरी बेस्ड भी क्लास रखने की मैं जो है कोशिश करूँगा। चलिए, इसका आंसर आपको बताना है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम वर्गीकरण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12, मैथ किस टाइम होगा? अभी हम टाइम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के बाद। ठीक है, बिल्कुल टाइम डिस्कस कर लेंगे। अब इससे बच्चों को जन्म देने वाला कंगारू स्तनधारी किस वर्ग में आता है आपको बताना है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया या यूथीरिया। ठीक है, चलिए इसका मैं बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेंगे क्योंकि ज़रूरी है। स्तनधारी यानी कि मैमल्स के तीन उपवर्ग होते हैं, एक होता है प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया, एक यूथीरिया। अब सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोथीरिया क्या है। प्रोटोथीरिया जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं इस वर्ग में। ठीक है, ठीक से समझना है आपको प्रॉपरली, हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस कर आंसर बता दिया ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो आप सुनिए। देखिए, प्रोटोथीरिया क्या है, स्तनधारी का जो है स्तनधारी है, इसमें अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं। ठीक है, जैसे एकेडना, चिटिकोरा हमने देखा अभी, डकबिल्ड, प्लेटिपस, ये सब हैं प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले स्तनधारी जो अंडे देते हैं। अब बात करते हैं मेटाथीरिया की, मेटाथीरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं अविकसित बच्चे को जन्म देने वाले। ठीक है, अविकसित बच्चों को जन्म देने वाले आते हैं, इनके पेट पर अविकसित बच्चों के जो विकास के लिए एक थैली पाई जाती है, जैसे कंगारू और अपोसम। ठीक है, कंगारू आपने देखा ही होगा, ठीक है, कंगारू जो है आपने देखा होगा, काफ़ी सारे पिक्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, कंगारू के बाहर जो उसका बच्चा दिखता रहता है, उधर से दिखता रहता है, छोटा सा झांकता रहता है थैली में से, उसको बोलते हैं मार्सुपिया थैली, उसमें जो है इसका विकास होता है पूरा। तो अविकसित बच्चे देने वाले कितना आते हैं मेटाथीरिया में। यूथीरिया में क्या आता है, यूथीरिया में इसमें विकसित बच्चे को जन्म देने वाले आते हैं। ठीक है, स्तनधारी जैसे मानव है, बंदर है, कपी, प्राइमेट, ये सब किस में आते हैं, यूथीरिया में। क्लियर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है आपको, इलेक्ट्रिक रे कही जाने वाली कौन सी मछली है। ठीक है, करंट देने वाली मछली कौन सी है आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, जीडी की क्लास कब होगी भाई, जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ के लिए भी है, कल से जो है जीडी की भी क्लास अलग से चलेंगी। ठीक है, अलग रख लेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो कल से आपकी 2 से 3 या 4 क्लास रख लेंगे हम, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जुड़े रहिए बस इसी तरह। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, इलेक्ट्रिक रे कही जाने वाली मछली कौन सी है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे कही जाने वाली कौन सी मछली आपसे पूछा जा रहा है, आप एक गलत तरीके से आंसर दे रहे हो, आपको इस तरह आंसर देना है, 13 का आप क्या देना चाह रहे हो, ए, तो ए लगा दीजिए, केवल आप ए लिखते हो तो समझ में नहीं आता 12 का दे रहे हो या 13 का। ठीक है, तो आपको इस तरह आंसर देना है। चलिए, ज़्यादातर लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरपीडो, जो कि ज़्यादातर लोगों ने ए दिया है, तो टोरपीडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोरपीडो एक मछली है, इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, इस मछली से जो है करंट आता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टोरपीडो। गेम्बुशिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये कौन सी मछली है जो मच्छरों को लावा को खाती है और इसको जो है मच्छरों पर नियंत्रण के लिए पाला जाता है। वहीं बात करूँ मैं हाइड्रोफिश, ये कोई मछली नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, हाइड्रोफिश क्या है, एक सांप है जो कि समुद्र में पाया जाता है, और विश्व का सबसे जहरीला सांप अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोफिश आपको आंसर लगाना है। विश्व का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश, जो कि समुद्र में पाया जाता है। हाइड्रोफिश कोई मछली नहीं है भैया, क्या है, सांप है। क्लियर, फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सबके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए आप। क्लास की टाइमिंग भाई अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम क्लास की टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी, आपके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे उसी टाइम हम रख लेंगे, और सारा टाइम आपको कम्युनिटी में मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जीडी में बिल्कुल आते हैं भाई, बायोलॉजी आएगी, कम क्वेश्चन आते हैं साइंस से जीडी में। ठीक है, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस पर इतना ज़्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं पढ़ना है आपको, साइंस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। चलिए, 14 का आंसर यहाँ पर आ चुका है काफ़ी सारे लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा बी, हेलोडर्मा। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरील छिपकली है। ठीक है, इसके साथ बात करें कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन, ना कि डोकोमो, कोमोडो ड्रैगन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली है। ड्रैको की अगर मैं बात करूँ तो ये उड़ने वाली छिपकली है। क्लियर है तीनों आपके पास, चलिए आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्तर पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, आपका सभी का आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर, स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है आपको बता देना है सभी को, और शेयर भी कर देना भैया वीडियो को, सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और लाइक करके जाया करिए, इससे पता चलता है भाई कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सभी लोगों का सही आना चाहिए इसका। ठीक है, किसी किसी का एक क्यों आ रहा है अभी, 15 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। ठीक है, स्थल पर पाया जाने वाला, बात किसकी हो रही है, स्थल पर के। ठीक है, माफ कीजिएगा,
स्थल की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर बात हो रही है पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीव। स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। नीली भेल कब होगा सबसे बड़ा जीव? हालांकि नीली भेल है, ठीक है, सबसे बड़ा जीव कौन सा है? नीली भेल है, यानी कि ब्लू भेल। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? स्थल पर पाया जाने वाला है। नीली भेल स्थल पर नहीं पाई जाती, वो पानी में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन स्तनधारी भेल। एक जिराफ के बारे में बात करूँ, सबसे ऊंचा जानवर है, एशियाई शेर। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भाई एशियाई शेरों का जो घर कहाँ माना जाता है भारत में? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है, एशियाई शेर। चलिए 400 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं फर्स्ट टाइम क्लास में अपनी में। चलिए आपसे इंग्लिश वाले एडजस्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर केवल हिंदी में लिखा हुआ है 4 से 5 क्वेश्चन अपने। इनमें से किसे पौधों की श्रेणी में नहीं रखा गया? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। इनमें से किसी पौधों की श्रेणी में नहीं रखा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बेसिक है, लेकिन आप लोगों से गलती करवाने के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसको जो है पौधे की श्रेणी में नहीं रखा गया? आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक पौधा नहीं है, ठीक है भाई। मैथ का लेक्चर आपका कल होगा, अभी टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन ना पूछें, आप जो है टेस्ट पर ध्यान दीजिए। 400 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं फर्स्ट टाइम क्लास में, अच्छा लग रहा है भाई। चलिए तो इसी तरह जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए आप दोस्तों को। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए 16 का आंसर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है बिल्कुल। चलिए विषाणु एक पौधा नहीं है भाई। विषाणु क्या है? जीवित और अजीवित के बीच की एक कड़ी है, ठीक है, एक जीव है। तो विषाणु क्या है? इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। अब बात करें भाई जीवाणु भी पौधा है क्या? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, भाई जीवाणु कैसे कह सकते हो पौधा है? जीवाणु एक पौधा है, किस के अंतर्गत हम पौधे को पढ़ते हैं? पौधे के अंतर्गत इसका जो है हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जीवाणु का, यानी कि बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया पौधा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके बाहर जो एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, किसके ऊपर? जीवाणु के ऊपर। कवक के ऊपर भी वही है, सेल वॉल पाई जाती है, सेवाल के ऊपर भी सेल वॉल पाई जाती है। इसलिए इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, पौधे के अंतर्गत रखा गया है। और सेवाल जो है पानी में पाए जाते हैं, हरे जैसे आपको दिखते होंगे, वो होते हैं सेवाल, ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आप सभी को, क्या होगा इसका राइट आंसर? लैमिनेरिया क्या है? ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आज बहुत आ रही है, कल से जो नहीं आएगी, आपको जो ग्लासेस लग जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी बैकग्राउंड नॉइस। आज थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग। चलिए अभी अपन क्वेश्चन आप पूछ लेना आप लोगों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है, लैमिनेरिया क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। हाँ भाई डॉगी भौंव कर रहा है यार, आज थोड़ा ग्लासेस नहीं है इसलिए पूरी नॉइज़ आ रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ मैं और क्या है। चलिए 17 का आंसर आ रहा है, लैमिनेरिया क्या है? लैमिनेरिया एक शैवाल है, ठीक है, एक समुद्री शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लैमिनेरिया क्या है? एक शैवाल है जो कि समुद्र में होता है, ठीक है, इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। डोडो पक्षी, इससे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में जो है विलुप्त हुआ है ये 2017 में, इसकी जो है काफ़ी सारा जो चर्चा में रहा है। डोडो पक्षी हाल ही में विलुप्त हो गया है, कहाँ पाया जाता था ये आपको बता देना है, ठीक है। कल से नहीं करेगा भाई, कुत्ता भौंव कमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो कल से नहीं करेगा, बिकॉज आज क्या है ग्लासेस नहीं लगे तो पूरी बैकग्राउंड नॉइस आपको यहाँ तक सुनाई दे रही है। कल तो हम ग्लासेस वगैरह लगा लेंगे, आज लाइटिंग वाइटिंग में पूरा दिन निकल गया और नेटवर्क का कनेक्शन भी ले लिया फिर भी हो नहीं पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता दीजिए आप। चलिए बता दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है, डोडो पक्षी जो आलिम प्रयुक्त हुआ कहाँ पाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हिंद महासागर में जो के पास एक देश है उसमें ये पाया जाता है, उसका नाम है मॉरिशस। काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ गया मॉरिशस, ठीक है, पोर्ट लुइस वहाँ की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं मॉरिशस इसके बारे में। डोडो पक्षी का आप जो पिक दिख रहे हैं, इस तरह का कोई डोडो पक्षी दिखता था, इसका जो काफ़ी ज़्यादा शिकार होने लगा और ये उड़ भी नहीं सकता। लगभग 20 किलोग्राम का जो है ये पक्षी हुआ करता था, इसके छोटे पैर हुआ करते थे, ठीक है, ये उड़ नहीं सकता था, इसके कारण इसका काफ़ी सारा शिकार हुआ। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रैपस कुकुलेटस। इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? रैपस कुकुलेटस, जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, एथलीट फुट रोग का कारक आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी को देना है, एथलीट फुट रोग का कारक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राहुल मिश्रा भाई नाम ले लेंगे बिल्कुल, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पोर्ट लुइस वहाँ की राजधानी है मॉरिशस की। सेल्फ स्टडी बिल्कुल सही है भाई, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका लेवल बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। महेंद्र अहिरवाल, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, जब तक आप सेल्फ स्टडी करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए 19 का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, एथलीट फुट बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक द्वारा होता है,
यानी कि फंजाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगाई, फंग्स। ठीक है, अब कौन कौन से रोग होते हैं इंपॉर्टेंट इससे आप याद रखते हैं, कवक द्वारा दाद, खाज और जो है गंजापन, एथलीट फुट, ये सब क्या है, कवक के द्वारा ये रोग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है, चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा कीट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है आपको, कौन सा एक कीट नहीं है। राहुल मिश्रा, हाँ भाई डॉग भौंक रहा है यार, कल से नहीं भौंक पाएगा क्योंकि अपन क्लासेस लगवा लेंगे। ठीक है, तो आज वाला एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, 20 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या हुआ। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, इनमें से कौन सा ये कीट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं क्लास में जो है 441 लोग जुड़े हैं, कल भी आप लोग इसी तरह जुड़े रहना, कल भी आपकी क्लासेस चलेगी 8 PM आपको जुड़ना है, अभी हम जो टाइमिंग भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ज़्यादातर लोगों का डी, तो ये गलत है, बिल्कुल डी आपका आंसर गलत है, सिल्वर फिश एक कीट है भाई। ठीक है, मछली नहीं है, ये वर्गीकरण से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपको बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। एक्चुअल में जो है इसके ऑप्शन ही गलत हो गए भाई, इसलिए चारों ही कीट हैं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिया, अच्छी बात है। भिक्षु एक कीट है, मकड़ी एक कीट है, सिल्क मोथ भी एक कीट है। ठीक है, सिल्क मोथ क्या है, सिल्क मोथ की लार ग्रंथियों से रेशम प्राप्त होता है, ये रेशम कीट है। सिल्वर फिश भी एक कीट है, चारों कीट हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक हो गया, चारों मतलब एक गलत नहीं रखा गया इसमें, इसमें से जो चारों कीट हैं, भिक्षु, मकड़ी, सिल्क मोथ और सिल्वर फिश, ये चारों कीट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो इसका हमारा, आप लोगों ने काफ़ी सारे आंसर दिए हैं, थोड़े से तो गलत दिए हैं आप लोगों ने, ऑप्शन गलत है यहाँ पर, चारों ये कीट हैं। सिल्वर फिश लगा है तो मतलब इसका ये नहीं मछली है, ये एक कीट है। सिल्क मोथ क्या है, ये रेशम वाला कीट है, इसकी लार से जो है रेशम प्राप्त होता है। वहीं बात करें अपन मकड़ी की, तो ये क्या है, कीटों में एक अपवाद है ये कीट, लेकिन कीटों में एक अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि कीटों में जो है आमतौर पर हम बात करें तो 6 पैर और 4 पंख होते हैं, लेकिन मकड़ी में जो है 8 पैर होते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो दोबारा बता सकता हूं मैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा भाई, कल से आपको डेली जो है पीडीएफ मिलेगा, कोर्स भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में, तो आप लोगों को कुछ लोग जो कन्फ्यूज थे इस क्वेश्चन में, तो इसके चारों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, चारों एक कीट है। ठीक है भाई, तो कल आपकी क्लासेस रहेगी, आप लोग टाइम बता दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं हम टाइमिंग के बारे में, थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पर लूँगा मैं आपके, आप लोग बताइए टाइम आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। 8 PM एक चलता है, वो तो चलेगा अपना यहाँ पर GS का, इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं, आप लोग का जो है ज़्यादा लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो जो है हम जुड़ जाएंगे। लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना है भाई लोग, आप लोग सभी लोगों को, कल जो है अपन 500 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं, ये टारगेट रखते हैं और एम करते हैं 200-550 जो है लाइक्स। ठीक है, इतने लाइक आपको करना है, तो जो है आपको क्या करना है, अभी टाइम बता दीजिए आप लोग, ज़्यादातर लोग किस कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, 7 PM। ठीक है, ये एक ऑप्शन है अपने पास, 6 PM भी एक ऑप्शन है अपने पास, 5 PM भी अपने पास ऑप्शन है एक। ठीक है, तो 460 लोग जुड़े हैं आज, कल भी आप लोगों को जुड़ना है, कल अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम बता दीजिए सही से, 8 PM तो अपनी चलेगी, इसके अलावा आपको टाइमिंग बतानी है भाई। ठीक है, 8 PM तो आपकी चलेगी। चित्ता राजन, थैंक यू भाई, वीडियो लाइक कर देना आपको। ठीक है, तो 8 PM तो आपकी ये चलेगी, इसका तो कोई जो है चेंज नहीं होना, इसके अलावा आप लोग जो है टाइम बता सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग मैं चेक कर लूँगा, अभी आप जो कमेंट कर दीजिए अच्छे से टाइमिंग के बारे में, तो मैं देख लूँगा, उसके हिसाब से हम जो रख लेंगे। ठीक है, 10 बजे तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से मुझे घर भी तो जाना होता है, क्वेश्चन भी बढ़ा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया, उनका सभी को थैंक यू भाई जिनसे, क्योंकि आप लोगों ने जो टाइम बताया उसी के अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। 7 PM ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, वो भी हम रख सकते हैं। 8 PM तो हमारे जो चलता है वही चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम रख लेंगे, तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा यहाँ से। चलिए, डेली आपकी चलेगी, बायो साइंस की भी चलेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगी आपकी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप लोग टाइम बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करना है आप लोगों को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, शेयर कर देना आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, और क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है, कल से आपकी प्रॉपरली क्लास चलेंगी, नेट वगैरह सब अपने पास होगा और नॉइज़ भी नहीं आएगी, अपना खुद की जो है कोचिंग है। चलिए, तो अनअकैडमी की लिंक मैंने आपको सेंड कर दी है, वहाँ पर एक बार ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, लिंक मैंने भेज दी है आप लोगों को, वहाँ पर आप जुड़ोगे तो मेरे साथ बहुत सारे कोर्सेज आप लोग देख पाओगे। चलिए मिलते हैं कल मिलते हैं हम, आई होप का आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, कल हमारा लाइव रहेगा तो बेस्ट रहेगा, आप लोग देखिए, मैथ का भी रहेगा और जो है GS का भी रहेगा, रीजनिंग भी रखेंगे, सब चलेगा आपका बिल्कुल, बस आपको टेंशन नहीं लेनी, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए, मिलते हैं कल।